जी, मान लीजिए किसी व्यक्ति का वात इम्बैलेंस हो गया है, तो आपने ये तो बता दिया उससे परेशानी क्या क्या होगी, लेकिन फिर इसे बैलेंस कैसे करें, खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और फिर साथ ही साथ क्या खाना चाहिए, आयुर्वेदिक उपाय करने चाहिए और योग। पहले तो वात पर टमाटर, खट्टी चीजें, बायबादी की चीजें, भारी चीजें नहीं खानी, एक सावधानी। दूसरी बात, अब वात के लिए, वात में जब यूरिक एसिड बढ़े तो गोखरू का पानी, चंद्र प्रभावटी या गोक्षुरादी या ट्राइगन कोरिघन, रेडीमेड और घरेलू दोनों बता रहा हूँ। जब यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड ये सारी अंदर के पेन मार्कर्स हैं जो दर्द के को इंडिकेट करते हैं, दर्द बढ़ता है तो इन्हीं के कारण से बढ़ता है, और ये तब बढ़ता है जब किडनी फंक्शन गड़बड़ होता है, तो गोकर उससे किडनी फंक्शन भी अच्छा होगा, दर्द भी अच्छा होगा। और एक हमारा एयरपोर्ट पे एक बालक रहता है, कई बार मैंने उसका उदाहरण दिया, पुंडीर, कल भी परसों भी मेरे से मिलकर के गया, बोला स्वामी जी मेरे तो गोड्डे ऐसे हो गए थे जैसे बूढ़े आदमी के होते हैं, मैंने तो गोधन अर्क पिया बाबा जी, सारे टॉक्सिन्स निकाल दिए और मैं अब घोड़े की तरह दौड़ता हूँ। जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाए, ESR बढ़ जाए, अब देखो ये CRP, RA, ANA, AVN, HLB 27 ये बड़े भयंकर पेन मार्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, कहते हैं इनका एक बार पॉजिटिव आने पर फिर ये नेगेटिव नहीं आते। RA, CRP, ANA, AVN, HLB 27 ये ESO ये भयंकर वाले पेन मार्कर्स हैं। अब इसके लिए पेन किलर, स्टीराइड, बायोलॉजी करा दे लेते हैं, तो क्या करें इसके लिए, खाली पेट पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट लें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, पीडानिल पे, पीडानिल ऑइंटमेंट, पीडानिल स्प्रे, ये सब हमने बना रखा है, इन सब का प्रयोग किया है, और अपने शरीर में थोड़ी हलचल करते रहें, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, बैठ के, खड़े होके, जैसे हमने बताई, और फिर सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम इतना भी कर लें तो भी उद्धार हो जाएगा। तो अपने अपने अभ्यास करें। अब जब ये बढ़ जाए तब उपवास जरूर करें, उपवास, और आज लहसुन कल्प भी अंत में बताने वाले हैं, आज लहसुन कल्प भी बताने वाले हैं। जैसे मैंने दूध में ही तीन चीज़ें बताई, दूध में हल्दी, सिलाजी, च्यवनप्राश लो तो कफ मिटेगा, दूध में हल्दी, सिलाजी तो लाक्षादी गुग्गल लो तो अंदर से हड्डियाँ मजबूत बन जाएंगी, दूध में मुलैठी और सौंफ उबाल करके पियो, मुलैठी और सौंफ और गुलाब के फूल मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या, दूध एकदम गुलाबी भी हो जाएगा, और उसको पी लो और ठंडा करके पी लेना तो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। तो अपने अपने प्रकृति के अनुसार, ये भी आज अंत में बताने वाले हम, लहसुन कल्प करना चाहिए, लहसुन कल्प अप्रतिम है, और उपवास। जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात को, कफ को और पित्त को भी खा जाती है, कुछ लोग कहते हैं भूखे पेट रहेंगे तो पित्त बढ़ेगा, अरे भूखे पेट रहने से पित्त नहीं बढ़ेगा, ज्यादा खा खा करके पित्त बढ़ावा, उत्तेजित चीजें खा खा करके पित्त बढ़ावा, नीम खा लो, मीठा मीठा कड़क, कड़वा कड़वा थू, और इससे हो गया वात का जो मैंने बताया, भयंकर वात रोग हमने टेढ़े मेढ़े। कल एक जो लड़का कौशिक जो व्हील चेयर पर आया था, और पिछली बार मैंने दिखाया था, मेरे साथ सब दंड बैठक लगा रहा था, ऐसा लग रहा कोई बॉडी बिल्डर हो। एंकोलॉजिक स्पोलाइटिस भी अच्छा हो जाता है, जितने भी आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सियाटिका, लोमोस्पोलाइटिस, इसमें ये सब फायदा होता है। ये जो वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा जो हमारे हालूराम जी और सत्यवान जी आदि ने जो इधर करके दिखाया ना, पूरा शुरू में ही, ये जो शुरू में हमने बताया था कोई प्रदर्शन नहीं था, ये अद्भुत चिकित्सा, एक ही दिन में 10-20 साल पुराना दर्द ठीक हो जाता है, श्रृंगी से, श्रृंगी चिकित्सा से, लीच चिकित्सा से, फिर ये जो बाह्य बस्ती, अभ्यंग, बसाज, और फिर अंदर की बस्ती, दशमूल क्वाथ से, पीड़न तक क्वाथ से, तो इतना ये वात का पूरा संसार। वात का जब दिमाग पर असर होता है तो ये जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया है, SLEMS, ऑटोमेटिक डिजीज है, ये भी वात ही रोग हैं। इसमें मेधावटी मेमोरी ग्रिड देते हैं और न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, ये औषधियों से ना पूरी तरह से ये वात रोगों का खात्मा हो जाता है।